मीना से आ रही है वंदे भारत पर बड़ी खबर। युवक की गोली मारकर की गई हत्या। युवक ने किया था मजदूरी पर जाने से इनकार। परिजनों और ग्रामीणों ने किया सर्वोदय चौराहे पर चक्का जाम। पिछले 5 घंटे से सर्वोदय चौराहे पर लगा है चक्का जाम। परिजनों का आरोप है पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई। अभी तक पुलिस ने नहीं किया है मामला दर्ज। वंदे भारत के लिए बीना से राजेंद्र गौतम की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? कल फला। आप मृतक की कौन है? हम भाई बहन हैं। क्या हो गया था? सुबह 7 बजे काम पे आए मुझे बुलाने के लिए, तो वो नहीं गए। थोड़ी गलौच हो गई होगी, लड़ाई गलौच। सीधे डायरेक्ट आन के हमारे भैया को गोली मार दी। कौन सो इंसाफ है गोली मारने का है? काम करो वरना हम गोली मारेंगे। भैया वो भतीजे सब कर रहे हैं, अब उनको भी मार सकते हो? कैसे नहीं जाएंगे काम पे? तो और उसके लड़का ने राड माली पहले और फिर उसके बाद साहब आन के गोली मार दी। कहाँ के रहने वाले? अब ऐसा बात है के 15 जने और हाथ के 15 जने और हाथ के परिवार। कितने बजे की बात है? 7 बजे बुलाने आए, 8 बजे बाद हुआ। अच्छा, उनके यहाँ काम करने नहीं गए इसीलिए उन्होंने इसी को सुना? और कोई बुराई तो नहीं थी? और कुछ बुराई नहीं है, कभी हम भाई किसी से मन नहीं बोलते थे। इसको फीवर था, इसने मना कर दिया कि साहब हम नहीं जा पाएंगे। और वो जबरदस्ती बोल रहे चलो चलो, तो नहीं गए साहब, तो गाली की लोच भाई विवाद भाई पर घर गए। और साहब हथियार लेके आए 10-15 लोग, हमारी सारी समाज को साहब बोलने लगे साले चमरा हो के चमार हो के, तू काम नहीं कर रहा हमारे इधर, काम करो ना तो साले हम लोग मार है, तो पहले मारो उसने, झगड़ा करो। हम लोगों से रोक छेड़ करी साहब, पर दोबारा गए सभी लोग आए हथियार लेके साहब, तो डायरेक्ट गोली मार। जबरदस्ती हम तो लेने देने वाले। गोली किसने मारी? ब्रजेश साहू। ब्रजेश साहू ने परिवार के भाई बंद भी थे। हाँ, लड़का था उसका, ऐसा पहले उसने लाठ मारी, इसके बाद ब्रजेश साहू ने आके गोली मारी। गोली मार दी उसका पूरा परिवार।